गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 24 ऑफ दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है हमारे पास, पिक्ड अप आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर एम्ब्यूश, 3 सिविलियन फाउंड डेड, 5 इंजर्ड, किन एलिज टॉर्चर। क्या बात हो रही है? इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा एक बार 2-3 दिन पहले। 19 दिसंबर का वो दिन था जिस दिन हमें पता चला कि पूंछ के एरिया के अंदर, जहां मिलिट्री का एक जो ट्रक था वो जा रहा था, उसके अंदर सोल्जर्स थे, वहां पहले से ही कुछ लोग छुप कर बैठे हुए थे, अनआइडेंटिफाइड लोग थे, नहीं पता है कौन है, छुपे हुए हैं। एम्ब्यूश क्या होता है? छुप कर हमला करना। तो उस ट्रक के ऊपर ऐसे ही किसी दूसरी तरफ से जो कोई गाड़ी आ रही थी उसने यहाँ पर छुपकर हमला किया, और उसके अंदर हमारे 4 जो वीर जवान थे, 4 जो सोल्जर्स थे, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। उसी के बाद से इन्वेस्टिगेशन हुई, ऑब्वियस सी बात है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद आर्मी के जो कुछ सोल्जर्स थे, उन लोगों ने वहाँ के कुछ सिविलियंस को उठाया, और उन्हीं सिविलियंस के अंदर से जब उनको एज अ क्वेश्चनिंग के लिए लेकर जाया गया, तो उसी रात को, 23 दिसंबर की ये बात है, कि उसी रात को उनमें से 3 सिविलियंस ऐसे थे जिनकी डेड बॉडी मिली है उसी जगह पर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। अब कीन जो उनके परिवार वाले हैं, उनका बोलना है कि आर्मी ने इन लोगों को टॉर्चर किया है, आर्मी के जो सोल्जर्स इनको लेके गए थे, और 5 जो लोगों को और उठाया गया था वो भी एडमिट है, उनको भी टॉर्चर किया गया है। तो उनका जो डेथ है ये काफी बड़ा सवाल उठा देता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर, कि किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए, क्या वो सच में विक्टिम थे, क्या वो सच में उन्होंने ही हमला किया था। ये सारे सवाल शायद जज को लेने चाहिए थे, लेकिन यहां पर जो भी घटना सामने आई है, पता नहीं वो कितनी ठीक है कितनी गलत है, लेकिन एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, चाहे ये कितना ही बड़ा इंसाफ क्यों ना नजर आता हो, लेकिन भावनाओं पे काबू करके हमें समझना होगा कि क्यों हमें हमेशा आपका जो प्रोसीजर है, जिसका संविधान में बताया गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, और उसी पर हम ठीक, समय तो ज़रूर लगेगा, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उचित न्याय जो होगा वो वहीं से मिलेगा। तो ये एक न्यूज़ थी। यहाँ पर टोपा पीर एरिया के अंदर ये हुआ है, जम्मू कश्मीर पूंछ का वो एरिया था जहाँ पर ये खबर सुबह सुबह अब हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक ऑन कार्गो शिप ऑफ गुजरात कोस्ट। देखिए, इंडियन नेवी की तरफ से एक शिप था जिसके अंदर 11 नेवी के मेंबर हैं, और वो जो नेवी के मेंबर हैं वो उस शिप को लेकर चल रहे हैं दुबई से, सऊदी अरेबिया से, ये तो 3 जगह है यहाँ पर वो जाते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से क्रूड ऑयल उस शिप के अंदर भरते हैं। क्या नाम है शिप का? इस शिप का नाम है प्लूटो। तो ये जो क्रूड ऑयल लेकर शिप आ रहा था, ये 19 दिसंबर को सऊदी अरेबिया से चला था, और ऐसा माना जा रहा है कि 25 दिसंबर तक इसको, आज 24 तारीख है, 25 तक ये हमारे इंडिया का जो न्यू बेंगलुरु का रीजन है वहाँ पर पहुँच जाएगा, न्यू मंगलुरु रीजन। लेकिन अब क्या हुआ बीच में, एक घटना ये हुई है कि जब हमारा ये शिप जस्ट कुछ टाइम पहले ही गुजरात के जो पोर्ट पे पहुंचने वाला था, उससे पहले ही इसके ऊपर ड्रोन से अटैक करवाया गया। हालांकि ये अच्छी बात ये है कि कोई भी यहाँ पर ज़्यादा इंजरी नहीं पता चली, किस कोई भी हमारे जो 21 के 21 नेवी के जवान हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अभी तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी नहीं ली है कि वो अटैक किसने करवाया था, वो ड्रोन से जो फायरिंग हुई थी शिप के ऊपर वो किसकी तरफ से करवाई गई थी। हालांकि हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अच्छे से फायर बैक करके उन ड्रोन को ही खत्म कर दिया। अब हम समझेंगे कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो यहां पर हम बोल सकते हैं एनालिस्ट है जो यहां पर आकर अपना एनालाइज करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि काफी दिनों से ऐसा हो रहा है। रेड सी का अगर आप लोग एरिया देखेंगे, रेड सी में जिसको लाल सागर भी बोला जाता है, उस रेड सी के अंदर बहुत समय से जो हम देख पाएंगे कि यमीन और हाउती के जो रेबल्स हैं,
यमन, आप ओमान, सऊदी के नीचे आप देख पाएंगे एक तरफ ओमान है, एक तरफ यमन है। तो ये जो यमन आप देख पाएंगे और इन्हीं के अंदर कुछ रेबल्स है जिनको हाउती रेबल्स बोला जा रहा है। ये रेबल्स ऐसे शिप्स पर हमला कर रहे हैं, जो भी शिप यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसराइल के साथ था। जब से इसराइल और गाजा का यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ है तभी से ये घटना बार बार देखी जा चुकी है। बार बार जो भी देश इसराइल की तरफ बोलता है तो उसी के ऊपर होता है ऐसा। हालांकि हमें नहीं पता है अभी तक क्या ये ऐसा इन्होंने ही किया है या किसी और कंट्री की तरफ से ये खबर आई है, वो अभी तक हम अवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल लिखा गया है पी चिदंबरम द्वारा, जो कि अभी राज्यसभा के एक हमारे एमपी हैं, और वो बताते हैं चार चीज़ों के बारे में। देखिए, पहले आर्टिकल को हम देख चुके हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जीएस पेपर वन में। दूसरा आर्टिकल अगेन फॉर अस इट वाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। कहीं भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप किसी एयरप्लेन के अंदर हैं या आप किसी शिप के अंदर हैं, ये जो शिप का एरिया है ना और ये एयरप्लेन का एरिया, चाहे वो कहीं पर भी हो, मान लीजिए यूएसए के ऊपर इंडिया का कोई एयर इंडिया का कोई प्लेन उड़ रहा है, या रेड सी के अंदर इंडिया का ये जो आप देख पाएंगे ये रेड सी है और यहाँ पर ये हमारा शिप बह रहा है, ये शिप के अंदर का इंडिया, ये जो एरिया है ये भारत के नाम से ही जाना जाएगा या फिर इंडिया का एरिया ही माना जाएगा। तो जब भी चाहे यहाँ पर या बाहर पे कोई भी अगर आपके इस एरिया के ऊपर या शिप के ऊपर हमला करता है तो माना जाएगा कि उसने इंडिया के ऊपर हमला किया है, उसी के एरिया के ऊपर हमला किया है। तो यहीं पर हमें समझना होगा कि क्यों ये दोनों आर्टिकल इंडिया के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से कितने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ द फोर कास्ट डूइंग, चार कास्ट क्या कर रही है। लिखा गया पी चिदंबरम द्वारा पेपर में, हमारे जीएस पेपर टू के अंदर सोशल जस्टिस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में। प्रीलिम्स के लिए इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट ऑब्वियस सी बात है कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, ये मोदी जी को कोट करते हुए बताते हैं कि मोदी जी ने जो चार कास्ट दी है, चार जातियां जो भारत के अंदर बताई हैं, वो चार जातियां में है पुअर, यूथ, वुमन एंड फार्मर। यानी कि जो नौजवान है या फिर जो गरीब है या औरतें जो है और किसान जो है, मोदी जी के द्वारा ये कहना है कि यही चार जातियां होती है। पी चिदम्बरम कहते हैं वैसे तो भारत में चार जातियां नहीं है, भारत को अगर एनालाइज किया जाए तो भारत में चार वर्ण है। वर्ण सिस्टम आप सब जानते हैं, एक ब्रह्मा होता था जो सबसे ऊपर होता था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्रा, और शूद्रा से भी जो नीचे रखे जाते थे वो होते थे अनटचेबल यानी कि अछूत, और उन्हीं अछूतों को आज बोला जाता है दलित। तो ये जो आप देख पाएंगे ये कहीं ना कहीं भारत का एक सिस्टम होता था, और इसी सिस्टम के अंदर अनगिनत कास्ट यहाँ पर होती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि चार कास्ट हैं, लेकिन ये जो मोदी जी ने चार फ्रेज दिए हैं कास्ट के, इनसे भी ये बिल्कुल हामी भरते हैं। कहते हैं कि मुझे कास्ट वर्ड से प्रॉब्लम है, लेकिन जो बात कही गई है वो ठीक है कि हाँ ये चार चीज़ें, ये चार जो आप हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे बांटे हुए हैं वो वर्ग ठीक है। ठीक है, ये जो आपने चार जगह पे बांट दिया इसको, ये ठीक है। पहले बात की जाती है पुअर की, गरीब के हिसाब से बताते हैं। देखिए डाटा देखने हैं तो यूएनडीपी क्या होता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि भारत के अंदर 228 मिलियन लोग यहाँ पर गरीब कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि 16% आबादी भारत की गरीब है। और आप चौंक जाएंगे कि ये गरीबी के जो पैमाने हैं वो क्या है। देखिए गरीबी का पैमाना है कि अगर कोई एक इंसान अर्बन एरिया में रहता है और दूसरा इंसान रूरल एरिया में रहता है, तो अर्बन वाला अगर अपने पूरे महीने में 1286 रुपये कमा पाता है तो वो एक गरीब माना जाएगा, पूरे महीने का ये है। और रूरल में ये डाटा दिया गया है 1089 रुपये का, 1089 रुपए का। और अब हम बात करते हैं आगे कि अगर इसी डाटा पॉइंट्स का भी ध्यान दिया जाए तो एक हिसाब से जो ये पैसा है ये कितना कम रखा गया है। आप खुद ही देखिए किस प्रकार से अर्बन और रूरल के अंदर एक इंसान अगर 1286 रुपए कमा पा रहा है तो इसका मतलब वो गरीब है। इससे ऊपर अगर वो 1300 रुपए कमा रहा है एक महीने में तो वो ठीक है, गरीब की कैटेगरी से बाहर है। तो अकॉर्डिंग टू पी चिदम्बरम ये चीज़ बहुत ही गलत है, ये डाटा बहुत ही गलत है।
इतना कमी पर आप पुअर को ऐसे जज नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे पॉइंट से देखें, अगर हम दूसरे डाटा पॉइंट्स को देखें, तो हमें पता चलेगा कि भारत की जो 50% आबादी है, 50% जो पॉपुलेशन है, उसका उसके पास केवल भारत की 3% संपत्ति है, केवल 3% ही वेल्थ उसके पास है। और इसमें भी ये जो 3% वेल्थ है, इससे भी जो पूरे इंडिया की नेशनल इनकम होती है वो सिर्फ 13% निकल कर आती है, योगदान वो केवल 13% का दे पाते, जो कि अकॉर्डिंग टू वेल्थ शायद काफी ज्यादा ही है। फिर हम देखेंगे कि अगर बच्चों की बात किया जाए तो 32% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से जिनका वजन कम है भारत के अंदर। 19% बच्चे ऐसे हैं जो वजन के हिसाब से उनकी हाइट कम है, उम्र के हिसाब से हाइट कम है उनकी। और अगर हम बात करें तो 35% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे हाइट प्लस वेट दोनों में कम है उम्र के हिसाब से। क्योंकि क्या कमी है? पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन इज नॉट सफिशिएंट, नॉट एडिक्वेट। तो इसी वजह से भारत के अंदर कुपोषण का रेट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम अगर औरतों की बात करें तो 50% से ज्यादा औरत जो 15 वर्ष से लेके 50 वर्ष की आयु के बीच में आती है, 49 के वर्ग में, उनमें से 50% से ज़्यादा औरतें ऐसी हैं जो एनेमिक हैं। और एनेमिक क्या होता है? यानी कि खून की कमी, उनके शरीर के अंदर खून की कमी है। एक ऐसी आबादी औरतों की जिसके अंदर 50% से ज़्यादा औरतों के अंदर खून की कमी है। बच्चों का अगर हम टोटल करें तो हम देख पाएंगे कि कैसे 35 के साथ हम जोड़ेंगे तो 60% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको वो पोषण नहीं मिल रहा जो पोषण उनके पास होना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से। और डाटा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है पी चिदम्बरम द्वारा, कि कहते हैं गवर्नमेंट इस बात को जरूरी समझती है कि फ्री का राशन 5 किलो 1 पर्सन के हिसाब से देना चाहिए, जो कि लगभग 810 मिलियन लोगों तक ये चीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। पिछले 5 साल से 57% ऑफ द पॉपुलेशन को ये चीज मिल रही है। फिर कहते हैं इसके बाद भी इंडिया में इतना ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, यानी कुपोषण है और भूखमरी है, हंगर फिर भी दिखाई दे रहा है इतना सब करने के बाद भी। इसी में फिर ये डाटा देते हैं स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियन रिपोर्ट 2023 का, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिपोर्ट छापी गई। और उन्होंने प्लस यहां पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो किया गया था 2023 में, इन दोनों ने बताया कि अगर हम 2017-18 के डाटा के बीच से देखें और अर्निंग में देखें कि कोई भी वर्कर पैसा कितना कमा पा रहा है 2017 से 2018 के बीच में, तो 5 साल में आप पाएंगे कि वो एक ही जैसा पैसा कमा पा रहे हैं। यानी महंगाई की दर तो बढ़ रही है लेकिन उनकी कमाने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, एक ही गति से चल रही है। तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये एस्टिमेट लगाना कि सिर्फ 16% आबादी इस देश में पॉवर्टी के अंदर आती है, तो ये बहुत बड़ा अंडर एस्टिमेट करना है इस बात को, इस कथन को, क्योंकि अगर सारे आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो ये आबादी बहुत ही बड़ी निकल के आएगी। फिर ये नेक्स्ट चलते हैं यूथ की तरफ, नौजवानों की तरफ। कहते हैं कि इंडिया के अंदर 1/3 यानी कि 1/3 जो पॉपुलेशन है वो अभी भी 28 साल की उम्र से कम है, और इसीलिए भारत को नौजवानों का देश कहा जाता है। और जब हम कहते हैं कि ये डाटा मिला है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कि जून 2022 से लेके जून 2023 से के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी जो लोग अभी अपना मैं बोलूँगी कि कार जो है, कारोबार जो है वो ढूंढ रहे हैं, जो बेरोजगार नहीं है, जो किसी काम में लगे हुए हैं, 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ 10% है, 10.10%। यानी 50% आबादी, हम कह सकते हैं 30%, 33.3% आबादी होगी ना 1/3, तो 33.3% आबादी जिसकी जो आयु है वो 28% से कम है, उसमें से 10% आबादी के पास ही यहां पर नौकरियां हैं या फिर कोई भी काम है जिसको वो कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियन रिपोर्ट की, कि एक रिपोर्ट निकाली गई है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियन रिपोर्ट, जिसमें ये बात बताई गई है कि किस प्रकार भारत का जो एक ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कर चुका है, एक बच्चा कॉलेज में जाके पढ़ चुका है 25 वर्ष की आयु तक, उनके अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, वो बेरोजगारी जो रेट है, वो 42.3% का यहाँ पर दिखाई देता है। यानी अगर 100 बच्चे अगर कॉलेज को पास आउट करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो उनमें से लगभग 68 बच्चे ही कुछ काम या जॉब कर पाएंगे, 42 बच्चे ऐसे ही घूमेंगे।
तो ये एक डाटा यहाँ पर समझ में आता है। उसके बाद ये भी पता चल रहा है कि अंडर ग्रेजुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्डर हो रहे हैं, क्योंकि जो यूआर है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब आपको नौकरी नहीं मिली, तो अब आप 30-34 वर्ष के ऐसे ग्रेजुएट हैं जिनको पाएंगे कि वो भी यहाँ पर 9.8% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो होता है ना, अब आप लोगों में से किसी के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि मैम ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं ना जो जो काम है या जो हम मानेंगे नौकरियां ढूंढ ही नहीं रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट तब निकलता है, ये जो रेट निकाला जाता है, जब कोई नौजवान से सर्वे किया जाए और वो 15 वर्ष से ऊपर की आयु में हो तथा साथ में वो एम्प्लॉयमेंट चाहता भी हो। अगर आपसे ये पता चलेगा इसके अंदर कि आप कोई जॉब नहीं चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सभी के सभी वो लोग हैं जो नौकरियां चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि देखिए, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का तो हमें ये सब कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती ही हैं बिल्कुल। इसके अलावा इन्हीं सभी वजहों से जब लोगों के पास काम करने को नहीं है, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा यहाँ पर कुछ दिखाई देता है कि इंटीग्रल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं, उसी के बाद क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वायलेंस दिखाई दे रहा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और ये सब होने के बाद लोग जा रहे हैं नशे की तरफ, यूज ऑफ ड्रग बढ़ रहा है। यहां पर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उन्होंने 2 करोड़ एक साल के अंदर जॉब्स का निर्माण किया है। जब वो इलेक्टोरल का जुमला अपना निकालती है पार्लियामेंट में, जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किए थे 2023 की जुलाई में, तब गवर्नमेंट ये डिस्क्लोज करती है, सच्चाई बताती है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 9,64,360 वैकेंसीज ही निकाली है 2022 के अंदर। कहां आप 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, और कहां आप 10 लाख नौकरियां भी पूरी नहीं कर पा रहे हो। जॉबलेसनेस एक बहुत बड़ा वोल्केनो, एक ज्वालामुखी बन चुका है यहां पर, हम बोल सकते हैं नौजवानों के अंदर। और इस चीज के लिए भी यहां पर तैयार रहना चाहिए कि ये जो ज्वालामुखी बन रहा है ना, ये कभी भी फट सकता है। फिर जो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी रखी गई है पीएम मोदी के द्वारा अकॉर्डिंग टू पी चिदम्बरम, वो है वुमन की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर औरतों के बारे में, कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ये 4 जातियाँ और इन्हीं के ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। हमें पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 1/2 यानी 50% औरतें हैं, और उन औरतों में बहुत सारी बैकवर्डनेस देखी गई है, यानी कि वो पिछड़े हुए हैं बहुत सारे कारणों से। पहला कारण है पैट्रियार्की, यानी जो पितृ सामाजिकता है कि घर का जो मेल होगा, जो आदमी होगा, वही यहां पर सबसे बड़ा आपका होगा और उसी की सबको बात मानती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज औरतों को पीछे धकेलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिग्रेसिव सोशल एंड आप देख पाएंगे कल्चरल नॉर्म्स, कि रिग्रेसिव है कि आपको अगर घूंघट करना है तो करना ही पड़ेगा, वो आपके पास उसकी कोई चॉइस नहीं है। तो ये जो रिग्रेसिव सोशल कुछ हमारे नॉर्म्स हैं और कुछ कल्चरल नॉर्म्स, हमने कानून जो बनाए हुए, कानून भी नहीं बोल सकते उसको क्योंकि लीगल नहीं है ये, जस्ट समाज के तरफ से खुद के कुछ नियम इनको बोला जा सकता है कि कुछ नियम बनाए गए हैं, और वो बहुत ही रिग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि एजुकेशन जो है औरतों में वो कंपैरेटिवली आदमियों से कम पाई जाती है। आंकड़ा दिया गया है कि किस प्रकार, अगर आप स्कूल का लेवल देखेंगे तो हमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि 12th तक यानी स्कूल के लेवल में लड़कियां जो होती हैं वो मोस्टली हर उनकी क्लास में जो लड़का होता है उसके रेशो में 60-70% से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आती है, प्लस एजुकेशन उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब यही डाटा हम हायर एजुकेशन में लेके आते हैं तो वो बहुत ही स्पीड से नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो ज़्यादातर औरतें हैं या ज़्यादातर लड़कियाँ जो है उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, ऐसी ही बात यहाँ पर पी चिदम्बरम बताते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर रिकॉर्ड में बताया गया डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव। यहां पर पी चिदंबरम बताते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट छापी है दिसंबर 2023 के अंदर, और वो कह रहे हैं कि कैसे औरतों के साथ जो 4% जो अगर हम अंपेयर करेंगे 2021 को 2022 के साल, तो जितने भी क्राइम उनके साथ हुए हैं वो 4% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और अगर हम टोटल देखेंगे तो हम पाएंगे कि 2022 में 4,45,000
यहाँ पर टोटल क्राइम्स रिकॉर्ड हुए हैं औरतों के खिलाफ, जिसमें ज़्यादातर जो क्राइम है वो फैमिली के खिलाफ ही रिपोर्ट हुए हैं, यानी परिवार के जो सदस्य होते हैं वही ज़्यादातर या तो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं या फिर किडनैपिंग के यहाँ पर केस बहुत ज़्यादा मिले हैं। इसके अलावा सेक्सुअल असोल्ट के यानी रेप के जो यहाँ पर केसेस होते हैं वो काफ़ी आए हैं, एंड डिमांड फॉर डोरी आज भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, यानी जो आदमी आज भी दहेज की डिमांड करते रहते हैं वो आज भी बहुत बड़ा एक समुदाय है जो इन क्राइम के अंदर हमें देखने को मिलता है। जेंडर डिस्पैरिटी की बात की जाए कि किस प्रकार से एक औरत और आदमी जब काम करते हैं तो उनके बीच में कैसे भेदभाव किया जाता है, तो वहां पर भी कुछ रिपोर्ट्स बताई गई हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया कि जब कोई मेल आदमी एक ही जैसा काम कर रहा है, यानी आपको अगर कंप्यूटर पर बैठकर टाइपिंग करनी है तो अगर आप आदमी हो मेल हो तो आप 48% ज्यादा पैसे आपको हर जगह से मिलेंगे। अगर आप एक फीमेल हो और आप वही सेम काम कर रहे हो तो आपको 48% कम यहां पर पैसा मिलता है। इसके अलावा वर्कर पॉपुलेशन रेशो की अगर बात किया जाए तो अर्बन वुमन के अंदर यानी जो शहरों की औरतों हैं वो उनमें से लगभग 21.9% ऐसी औरतें हैं जो काम करती हैं बाहर निकलकर अपने घर से, और अगर यही डाटा आदमियों का देखा जाए तो वो 70% तक के आदमी हैं जो अर्बन में रहते हुए काम करते हैं। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का यहाँ पर सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर हम गाँव में यही डाटा देखें, रूरल लेवल पर यही डाटा कर देखा जाए तो वहां पर ये डाटा आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो खेतों में भी काम करती हैं प्लस जो उनका रोज छोटा मोटा काम है तो वो ज़्यादा होगा, यानी लगभग 24% ये चीज़ दिखाई यहाँ पर देती है। और वहीं पर आदमियों का जो रेशो होगा वो होगा 73.8%, यानी ऑलमोस्ट 74%। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसके अंदर 19.6 मिलियन जो औरतें होती हैं उन लोगों का काम छूट गया है, वर्क फोर्स से उनको निकाल दिया गया है 2004-05 से लेकर 2011-12 तक। तो ये रिपोर्ट दी गई है यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हम यहाँ पर खुद पी चिदम्बरम जो है वो यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आप इन सभी भेदभाव को इग्नोर करने लगेंगे ना तो ये बात झूठी नहीं होगी कि औरतें जो हैं वो इसी प्रकार से दबी हुई रहेंगी, सरप्रेस रहेंगे आने वाले पता नहीं कितने दशकों तक। तो ये एक स्टेटमेंट और है हम जैसे लोगों के लिए जो आज शिक्षा में बदलाव ला सकते हैं या फिर और ज़्यादा अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं, उन सभी यंगस्टर के लिए जो अब यहाँ पर ये बात सुन रहे हैं। लास्ट हम चलते हैं फार्मर्स के ऊपर। फार्मर्स के ऊपर बात किया जाए तो फिर से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ये डाटा दिया गया है 2014 से लेकर 2022 तक का कि फार्मर्स की सुसाइड का रेट हर प्रति वर्ष यहाँ पर बढ़ता ही गया है प्रति वर्ष। आप 2020 से लेके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 10,600 ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड की है। 2021 का डाटा लेंगे तो पता चलेगा कि 10,881 लोगों ने जो ज़्यादा फार्मर्स हैं उन्होंने सुसाइड किया इस साल में। और अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा यहाँ पर 2022 का तो ये 10,000 का आंकड़ा पार करते हुए 11,290 ऐसे फार्मर्स होंगे जो सुसाइड कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हर साल अगर आप राइस और वीट का आप डाटा देखेंगे तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से गेहूं और जो यहाँ पर चावल है वो तो हर साल रिकॉर्ड बना रहा है, उसमें तो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। बात आती है यहाँ पर कि कैसे जब फार्मर्स को जब रेट नीचे होते हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा नहीं होता और उसके बाद जब रेट ऊपर होते हैं तो जो मोदी गवर्नमेंट है या अकॉर्डिंग टू हिम कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए बैन लगा देती है, बंद कर देती है एक्सपोर्ट को कि बाहर आपको नहीं भेजना है दूसरे देशों में क्योंकि उनको अपनी स्कीम्स चलानी है। तो ये सब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इनके बारे में बोला जा रहा है। फिर ये कहते हैं ए हैप्पी फार्मर इज एन ऑक्सीमोरोन, यानी कि सपनों की बातें रह गई है कि कभी कोई किसान भी यहां पर खुश रह सकता है, यहां पर दिख सकता है। लार्ज सेक्शन, अब यहां पर हम लास्ट में पहुंच के पता लगाते हैं कि कैसे जो हमने चार कास्ट की बात की प्रधानमंत्री के द्वारा उनमें से चारों में से लार्ज जो सेक्शन है 70 से 80% उनमें से हर इंसान पुअर है, गरीब है, अखुश है, बिल्कुल असंतुष्ट है, प्लस उसके अलावा उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है अमीरों के लिए, रिच के लिए, ऐसा पी चिदम्बरम जी का यहाँ पर मानना। और वो कहते हैं कि वो इस वजह से नहीं बोल पाते हैं
क्योंकि यहाँ पर ये लोग गरीब हैं और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर अपनी जो कहानी है उसको बयान नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, अपनी विल को सामने नहीं रख पाते और यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आशा करती हूँ आपके पास आज बहुत सारा डाटा आपको पता चला होगा। अगर आप इस वीडियो को धीरे धीरे रिकॉर्ड कर, मैंने हर एक रिपोर्ट का यहाँ पर नाम लिया, अगर आप इसको अपने प्रीलिम्स के लिए लिखेंगे तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर मेंस के लिए डाटा आप लिख लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड पेज पे, जहां पे ईरान थ्रेटन्स मेडिटेरियन क्लोजर अमिड इंटेंस इजरायली स्ट्राइक्स इन नॉर्थ गाजा। ईरान की तरफ से ये काफी एक भयानक, यहां पर हम देख पाएंगे कि एक धमकी दी गई है। किसको धमकी दी गई है? इसराइल को यहाँ पर धमकी दी गई है कि हम मेडिटेरियन जो आपका सी है, यानी कि जो मेडिटेरियन आप बीच में एक यहाँ पर सागर देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर मैप से समझाती हूँ कि मेडिटेरियन सी है कहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर है आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे जाएंगे तो ये ब्राज़ील वाला पार्ट होगा और ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज़ ब्राज़ील एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका। अगर हम वर्ल्ड में इधर जाएंगे तो ये जो होगा ये होगा आपका यूरोप का पोर्शन, और जो ये यूरोप का पोर्शन है पोर्तुगीज़ के साथ यहाँ पर इटली होगा, यहीं से आपका शुरू हो जाता है अफ्रीका। थोड़ा सा हम और बड़ा इसको कर देते हैं कि अफ्रीका जो होगा वो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, और इसके बाद इसी अफ्रीका से यहाँ पर हम देख पाएंगे सऊदी अरेबिया को, और इधर जाएंगे तो यहाँ पर होगा इंडिया, और यहीं से फिर ये रशिया, पूरा वर्ल्ड का ये मैप बनता है। अब अगर हमें मेडिटेरियन सी को देखना है तो हम देख पाएंगे कि ये जो यूरोप के और यहाँ पर अफ्रीका के बीच का एक सागर है, ये है आपका मेडिटेरियन सी, और इधर क्या है, यहाँ पर होता है रेड सी और ऊपर होगा आपका ब्लैक सी। तो ये जो सी आप देख पा रहे हैं, ये जो आप समुंदर देख पा रहे हैं यहां पर बीच में, इधर हम देख पाएंगे कि यहां पर है ईरान का क्षेत्रफल, इधर हम देख पाएंगे कि यहां पर है ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरेबिया, इजराइल, गाजा। तो ये कह रहे हैं ईरान ऊपर से बोल रहा है, जिसको हमेशा माना जाता है कि वो गाजा को यहां पर शुरुआत से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये जो एक सऊदी अरेबिया के साथ हम देख पा रहे थे कि एक अकॉर्ड होने वाला था इजराइल का, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो, तो हमेशा ईरान पर ये शुरू से ही इल्जाम लग रहा है। और अब ईरान बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गाजा के सपोर्ट में हूं, और अगर अभी भी यहां पर गाजा पर हमला होगा तो हम इस मेडिटेरियन सी को बिल्कुल रोक देंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये मेडिटेरियन सी जो है ये लगभग यहां पर जो स्वेज कैनाल बनी हुई है वो वर्ल्ड की सबसे बिजीएस्ट कनाल है, यानी सबसे बड़ी हमने आर्टिफिशियली यहाँ पर इन दोनों जो टुकड़े हैं इनको कृत्रिम रूप से काट कर अलग किया था और यहाँ से शिप होकर जाते हैं, और ये वर्ल्ड की सबसे बिजीएस्ट है। तो यहाँ पर ट्रेड पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, चाहे वो इंडिया की तरफ से आने वाला ट्रेड हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ से जाने वाला ट्रेड हो, चाहे वो यूरोप की तरफ से जाने वाला ट्रेड हो, तो ये काफ़ी भयानक दृश्य होगा। और ऐसी कुछ धमकी यहाँ पर ईरान की तरफ से दे दी गई है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं इकोनॉमी पेज पे, और इकोनॉमी पेज पे आज का ये हमारा लास्ट आर्टिकल होने वाला है, जो कि है एयर इंडिया फर्स्ट एयर बस A350 एयरक्राफ्ट अराइज। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना हमें पता होना चाहिए कि ठीक है कहाँ से क्या आया है, ज़्यादातर यूजफुल होगा हमारे प्रीलिम्स के पेपर के लिए। और चलिए देखते हैं कि कमर्शियल जनवरी जो 2024 होने वाला है, उस साल से ये जो आपकी इंडिया की पहली एयरबस है A350 वो यहाँ पर चालू हो जाएगी कमर्शियली। आप उसको जाकर खरीद सकते हैं, उसके बारे में जो भी उसकी टिकट होगी पैसा होगा, और आप उसमें यूज़ कर सकते हैं उसको। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में पहली बार जो ये एयरबस लाई गई है, ये लाई गई है एयर इंडिया के द्वारा, और एयर इंडिया के बारे में इस आर्टिकल में खास तौर पर बताया गया है कि ये जो एयर इंडिया थे कितना नुकसान में चल रहा था 2019-20 में, और फिर यहाँ पर टाटा ग्रुप इसको आकर खरीद लेता है, और टाटा ग्रुप खरीदने के बाद ही यहाँ पर 400 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाता है कुछ ही महीनों पहले, जस्ट 5-6 महीने पहले हम लोगों ने एक खबर पढ़ी थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्डर दिया गया है आज के टाइम पे एयरक्राफ्ट का, वो आया है एयर इंडिया की तरफ से। यहां पर 200 से ज्यादा
एयरप्लेन्स की यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था, और उसके बाद हम देख पाएंगे कि 200 यहाँ पर अलग एयरबसेस के लिए भी ऑर्डर दिए गए थे। उनमें से एक अभी शुरू होने वाली है, ऑब्वियसली बात है जनवरी से शुरू हो जाएगी। और अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो एयर इंडिया है अब इसका बिल्कुल ही चेंज हो गया है, और एक तरीके से जो भी पूरा का पूरा हम पाएंगे कि एक दृश्य जो था वो बदल चुका है। ये प्रॉफिट में चल रही है, जो कि इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया की कैपिटल इंडिया के अंदर ही रहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा इस एयरबस के अंदर यहाँ पर हम तीन कैटेगरी देख पाएंगे। पहली जो कैटेगरी होगी, यानी कि इसके अंदर ये काफ़ी एक प्रीमियम आपको देने वाला है, लग्जरी लुक देने वाला है। पहली में आप लोग यहाँ पर पाएंगे बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास जो है वो पूरे सूट्स होंगे, वो फुल फ्लैट बेड उसके अंदर मिलेंगे, और ये सिर्फ आपको एक एयरबस के अंदर 28 ही देखने को मिल देंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो होगी यहाँ पर आपकी प्रीमियम इकोनॉमी, यानी कि आप इकोनॉमी में ना जाकर प्रीमियम इकोनॉमी में जा रहे हो, और यहाँ पर आपको 24 सीटें मिलेंगी, जिसके अंदर एक्स्ट्रा यानी पैरों को रखने के लिए ज़्यादा रूम होगा, और कुछ और यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स दिए जाएंगे। और अगर थर्ड कैटेगरी जो है, जो कि इकोनॉमी होती है, वहाँ पर आपको मिलेंगी इसी एयरप्लेन के अंदर 264 सीट एयरबस के अंदर, और ये तीन कैटेगरीज के अंदर ये बटा हुआ होगा। काफ़ी हाई स्पीड ये उड़ने वाले हैं यहाँ पर। और हम बात किए जाए तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है ये एयर इंडिया के लिए, प्लस हमारे देश के लिए भी। यहीं पे आज का हमारा आर्टिकल प्लस न्यूज़पेपर दोनों ही ख़त्म हो जाता है, और क्योंकि आज का न्यूज़पेपर संडे था, तो आज के न्यूज़पेपर में हमें एक्सप्लेन पेज बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है, यहाँ पर दिया ही नहीं गया है बिल्कुल ही, और ना ही एडिटोरियल का पेज यहाँ पर दिया है, ना ही आइडियाज़ पेज यहाँ पर था, थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ चुके हैं। सो ठीक है, जो भी है अच्छा है, आप लोग भी इंजॉय करिए आज, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच आप लोग यहां पर अभी तक बने हुए हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।